कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था, कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। जी हाँ विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माधवी वर्मा का संस्मरण, मेरे बचपन के दिन। आज मैं मेरे बचपन की या आपके बचपन की बात नहीं कर रही हूँ, आज हम माधवी वर्मा का बचपन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे पिछले पाठ को पढ़ाया उससे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमने पाठ पढ़ा था नाना साहब की पुत्री मैना देवी को जलाकर भस्म कर दिया गया। इस पाठ से आपको ये बताना है कि मैना देवी को कौन सी जगह जलाकर भस्म कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैना देवी से उसके महल में किस सेनापति की मुलाकात सबसे पहले हुई थी। उस सेनापति का नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। माधवी वर्मा का थोड़ा सा परिचय मैं आपको बता देती हूँ। उनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई और इन्होंने साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब पुरस्कारों से ये सम्मानित हुई हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। तो माधवी वर्मा ने ये मेरे बचपन के दिन एक स्मृति है, उनकी याद है, तो अपनी याद को उन्होंने साहित्य में संस्मरण के माध्यम से उकेरा है। मेरे बचपन के दिन में माधवी वर्मा जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। तो उनके विद्यालय की यादें हैं इसमें, उनकी सहेलियों के साथ बीता हुआ समय का वर्णन है और छात्रावास मतलब हॉस्टल में किस तरह से रही थी, छात्रावास का जीवन कैसा था, उन सब का वर्णन इस संस्मरण में बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं, तो बचपन और बाद की स्थिति में दिन रात का फर्क होता है। कभी कभी ये लगता है कि ये सब सपना ही था, लेकिन ये सच्ची घटनाएं होती हैं और बचपन हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता है। हमें बार बार बचपन की बातें याद आती हैं। विद्यार्थियों, आपका बचपन कैसे बीता और अभी आपका बचपन कैसा चल रहा है, वो भी आप मुझसे जरूर शेयर करना। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम मतलब स्वर्ग भेज देते थे। उस समय ये कुरीति थी कि लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे। तो माधवी वर्मा उस समय की सामाजिक परिस्थिति का वर्णन करते हुए बताती हैं कि मेरे परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं पैदा हुई थी। 200 वर्षों के बाद मैं मेरे परिवार में एक लड़की के रूप में आई थी। हो सकता है कि उस समय उनके परिवार में भी किसी ने लड़की पैदा की होगी और उसको परम धाम भेज दिया होगा। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, तो कुल देवी से मन्नत मांगी इनके पिताजी ने कि हमारे घर लड़की पैदा हो। तब माधवी वर्मा जी का जन्म हुआ। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। तो उस समय लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनको समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था, उनको सम्मान नहीं दिया जाता था, पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था या फिर कोख में ही खत्म कर दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति उस समय की लड़कियों की दशा का वर्णन माधवी वर्मा कर रही हैं। लेकिन माधवी वर्मा ये बताना चाहती हैं कि उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। जबकि वह पैदा हुई तो उसका बहुत सम्मान किया गया, बहुत खातिरदारी की गई। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। तो इनके जो दादा थे वो फारसी और उर्दू अच्छे जानते थे और पिताजी जो थे अंग्रेजी पढ़े हुए थे। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों माधवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध विदुषी लेखिका रही हैं।
छायावाद की कवियों में सबसे आगे इनका नाम है। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। तो इनकी माताजी जो थी वो जबलपुर से थी, वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। तो इनकी माताजी हिंदी अच्छे से जानती थी और महादेवी वर्मा भी उनसे ही प्रेरित होकर हिंदी कविताएं रचने लगी थी। बाबा कहते थे कि इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी मतलब एकदम विद्वान, विद्वान पुरुष को कहते हैं। और उसका स्त्रीलिंग हम लिंग वचन करें तो महिला को विदुषी कहते हैं। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा, मैंने संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। घर में हिंदी का वातावरण नहीं था, लेकिन इनकी माताजी हिंदी अच्छे से जानती थी, क्योंकि बाबा थे वो उर्दू और फारसी जानते थे, पिताजी थे वो अंग्रेजी जानते थे, लेकिन महादेवी वर्मा को सिर्फ हिंदी और संस्कृत में ही इंटरेस्ट है, रुचि थी। तो उनके बाबा चाहते थे कि मैं उर्दू और फारसी सीख लूं। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, गीता मतलब ग्रंथ। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। तो मौलवी साहब आए थे उर्दू पढ़ाने के लिए, तो वो जा छिपी, उनको उर्दू में कोई रुचि नहीं थी। और माँ संस्कृत में मतलब पूजा पाठ करती थी, तो माँ की संस्कृति वे सुना करती थी। तो उसके बाद महादेवी वर्मा को मिशन स्कूल में दाखिला दिला दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा। तो वहां पे वातावरण अलग ही था। वहां महादेवी वर्मा ने जाना बंद कर दिया और जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। 5वें दर्जे मतलब जैसे अपने यहाँ सेक्शन होते हैं ए बी सी डी ई, ऐसे उसको 5वें सेक्शन में दाखिला मिला। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। मेस क्या होता है? जहां पर खाना मिलता, खाना बनाया जाता है। तो सबका एक ही मेस था, एक ही मेस में सबका खाना बनता था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। तो इतना अच्छा था कि वहां ईसाई लड़कियां भी थी, हिंदू लड़कियां भी थी, और वहां प्याज तक का प्रयोग यूज नहीं किया जाता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम चार छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। तो सुभद्रा कुमारी भी एक प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। तो उनको उस कमरे में उनकी साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं बचपन से तुक मिलाती आई थी। तो वे हमेशा वो भी कविता रचती थी और इन्होंने भी कविता लिखनी थी। तो दोनों ही बैठकर तुक मिलाती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागी कृपा निधान पंछी बन बोले, ये मतलब कृष्ण भगवान के लिए गाती थी उनकी माताजी। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। तो माधवी वर्मा धीरे धीरे ब्रज भाषा भी सीख गई थी अपनी माताजी से। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। खड़ी बोली भी हिंदी का ही रूप है, तो वो खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा कुमारी जी बड़ी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। तो सुभद्रा कुमारी तो अच्छी कवियत्री बन चुकी थी, लेकिन माधवी वर्मा अभी सीख रही थी। इसके लिए वह छिप छिप कर लिखा करती थी, उनको देखा करती थी और उनसे सीख सीख कर छिप छिप कर अपनी कविताएं लिखा करती थी। और एक दिन क्या हुआ कि माधवी वर्मा को उन्होंने देख लिया। तो माधवी वर्मा डर के मारे बोली, नहीं, मैं कोई कविता नहीं लिखती। अंत में उन्होंने माधवी वर्मा की किताब और डेस्क सब तलाशी, तो वहां से उनको मतलब बहुत सारे पेपर मिले।
तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर पूरी जगह मेरा परिचय करा दिया। छात्रावास में जितनी लड़कियां रहती थी सबको बता दिया कि मैं भी कविता लिखती हूँ। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। कास्टवेल में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे, तो बाकी लड़कियां तो खेलती थी और ये दोनों अच्छी सहेली बन चुकी थी और एक पेड़ की डाल पर बैठकर दोनों तुकबंदी किया करती थी, मतलब कविताएं गाती रहती थी तुक मिला मिलाकर। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, और उसी में उनकी तुकबंदी छप जाती थी। फिर वहां कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय का प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। हाँ तो विद्यार्थी मित्रों, 1917 में गांधी जी द्वारा अनेक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गए थे। उनके द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तरह तरह के आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो उन्हीं में एक आंदोलन था सत्याग्रह, वो शुरू हो गया था। उसी समय कवि सम्मेलन हो रहे थे, तो सब जगह हिंदी का भी प्रचार प्रसार चल रहा था। तो इनको माधवी वर्मा और जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी और दूसरी लड़कियां भी थी, उनको वहां की जो मैडम थी क्रास्टवेट की, वो मैडम ही इनको साथ लेकर जाया करती थी। तो वहां पर कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते, कभी श्रीधर पाठक, कभी रत्नाकर, कभी कोई होता। ये लोग बड़े बेचैनी से सुनते थे कि इनका नाम कब आए पुरस्कार प्राप्ति के लिए। तो माधवी वर्मा बताती हैं कि मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार ही मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। किसको? माधवी वर्मा को। किस लिए? उन्होंने अच्छी कविता गाई थी, इसके लिए पुरस्कार के रूप में चांदी का कटोरा मिला। बड़ा नकाशीदार सुंदर उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में, वो कभी कभी जाती थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उस दिन वह नहीं गई थी। और माधवी वर्मा को उस दिन चांदी का कटोरा मिला। मैंने उनसे आकर कहा देखो ये मिला, तो आकर अपनी सहेली को बताई कि देखो मुझे क्या मिला। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। और उसी बीच आनंद भवन से बापू आए। तो जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था और उसका केंद्र आनंद भवन को रखा था। स्वतंत्रता संघर्ष की जो जिसके लिए बातें होती थी, चर्चाएं होती थी, उसका केंद्र बनाया गया था आनंद भवन को। तो आनंद भवन से बापू आए और हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उनको देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई, तो खुशी खुशी अपना कटोरा भी दिखाने गई। आखिर बचपना तो बचपना होता है, उसमें तो यही होता ना कि हम जिस स्थिति को देखते हैं वो उसी समय हम उसको महसूस करते हैं। दुख मिलता है तो हम दुख जाहिर कर देते हैं सबके सामने, खुशी मिलती है तो हम खुशी प्रकट कर देते हैं सबके सामने। तो माधवी वर्मा भी बहुत खुश थी कि उसको चांदी का कटोरा मिला था, तो उसने तुरंत बापू को दिखाया। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझे ये कटोरा मिला। कहने लगे अच्छा दिखाओ तो मुझको। मैंने कटोरा इनकी ओर बढ़ा दिया, उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को तो उन्होंने कहा ही नहीं। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी ही होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में बनाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। तो फिर भी माधवी वर्मा, एक बार माधवी वर्मा को जरूर दुख हुआ कि चांदी का कटोरा तो मैंने खुशी खुशी उनको दे दिया, लेकिन एक बार मुझसे बोल देते कि कविता क्या है वो तो सुनाओ, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। तो इसके लिए फिर सुभद्रा कुमारी चौहान को बोलती हैं कि चांदी का कटोरा तो चला गया। तो सुभद्रा कुमारी चौहान बताती हैं कि और जाओ दिखाने, चला गया तो चला गया, मुझे तो खीर खानी है, आप चाहे पीतल की कटोरी में बनाओ या फूल की कटोरी में। तो माधवी वर्मा बोलती है कि इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने
अपने देश सेवा के लिए चांदी का कटोरा महात्मा गांधी जी को दे दिया, बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। तो मराठी लड़की कौन थी? जेबुनिशा। किसकी जगह आई? सुभद्रा कुमारी चौहान की जगह। और वह सारा काम महादेवी वर्मा का कर देती थी। ड्रेस साफ कर देती थी, किताबें ठीक कर देती थी। और इस तरह से महादेवी वर्मा को अपनी कविताएं लिखने का समय मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों में मिलीजुली हिंदी बोलती थी। तो पूरी तरह से मराठी नहीं बोलती थी और हिंदी भी नहीं बोलती थी, क्योंकि उसकी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो महादेवी वर्मा उससे धीरे धीरे मराठी सीखने लग गई। वहां एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम। जब उन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों का मिलाकर कुछ कहती, तो उस्तानी जी टोके बिना न रहा जाता। वह देसी कोवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कोवा मराठी बोलता है। तो दोनों मतलब इस तरह से ठिठोरी करती थी कि उस्तानी जी उसको चिढ़ाती थी कि वह देसी कोवा मराठी बोली। तो जेबुन कहती, नहीं उस्तानी जी, वह मराठी कोवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदारी साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। तो उसको हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वह हिंदी बोलकर खुश होती थी। उस समय ये देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। उस समय की अच्छी बात क्या थी? ये थी कि वहां भेदभाव की भावना नहीं थी। मतलब हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, ये मराठी है, ये हिंदू है, ये छोटा है, ये बड़ा है। आज जो सांप्रदायिकता है वैसी उस समय नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी, और कोई अंतर नहीं आता था। हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात थी कि हम एक मेस में खाना खाते, एक प्रार्थना में खड़े होते, कोई विवाद नहीं होता था। तो किस तरह से स्पष्ट करोगी कि सांप्रदायिकता नहीं थी? अवधी से आई हुई लड़की अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड से आई हुई लड़कियां बुंदेलखंडी में बात करती थी, और मराठी महाराष्ट्र से आई लड़कियां मराठी बोलती थी। लेकिन सभी मिलकर एक दूसरे की भाषा प्रयोग भी करते थे और हिंदी में भी बात करते थे, एक ही मेस में खाना भी खाते थे और एक ही प्रार्थना करते थे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। इसके लिए हम बता सकते हैं कि तब सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी। हाँ, तो आगे लेखिका कहती है, मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहां रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। तो आपस में जन्मदिन एक दूसरे के घर मनाते थे। कौन? बेगम साहिबा और महादेवी वर्मा का परिवार। उनका एक लड़का था, उनको राखी बांधने के लिए भी कहती थी। तो माधवी वर्मा बेगम साहिबा के लड़के को राखी बांधती थी। बहनों को राखी बांधना चाहिए, इस तरह से वो कहती थी। राखी राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, बार बार कहलाती थी। भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, मतलब वो कपड़े देती थी माधवी वर्मा को। इस तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। तो कपड़े मुहर्रम में वो बनाती थी तो यहाँ माधवी वर्मा के लिए भी बनवाती थी। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक कर दे। तो जब माधवी वर्मा को छोटा भाई, माधवी वर्मा का छोटा भाई पैदा हुआ, तो बेगम साहिबा ने मांग कर नेक लिया था, हक जताकर। मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर हमारी माँ को दुल्हन कहती थी।
और कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो माँ देवी वर्मा को जब भाई पैदा हुआ तो उसके कपड़े भी लाई और 6 महीने तक अपने हाथों से ही उसको कपड़े पहनाए और उसका नाम उन्होंने ही दिया मनमोहन। बाद में वही मनमोहन आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यो अपने घर में अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना है, आज का वह सपना खो गया है। तो आज की स्थिति में ऐसा नहीं है, कोई एक दूसरे के घर इतना जाता भी नहीं है और इतने रिश्ते निभाए भी नहीं जाते और एक दूसरे का कोई इतना करता भी नहीं है। तो उस समय की बातों को सोचकर ऐसा लगता है कि वो शायद सपने रहे होंगे, लेकिन ये बातें सारी सच्ची थी, हकीकत है। शायद ये सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अब देखो इसका प्रश्न देखते हैं। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहन करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता था। इस कथन के आलोक में आप ये बताएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो माँ देवी वर्मा ने जैसे शुरू में ही बताया कि उस समय लड़कियों को परम धाम भेज दिया जाता था और लड़कियों को ज्यादा शिक्षा दीक्षा भी नहीं दी जाती थी, तो ये वहां की स्थिति थी। लेकिन माँ देवी वर्मा के साथ ऐसा नहीं हुआ था, उनको बहुत अच्छे से पाला गया था, उनकी उच्च शिक्षा करवाई गई थी और आगे जाकर वो अच्छी कवयित्री भी बनी। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की कैसी परिस्थितियां हैं और आज की स्थिति लड़कियों की बहुत अच्छी है। आज इतना भेदभाव नहीं किया जाता है, लड़कियां बहुत आगे तक बढ़ चुकी हैं जो कि पहले नहीं था। धन्यवाद। आगे के प्रश्न फिर कभी करेंगे।